फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ट्यूटर क्लासेस। जैसा कि आज 13 जून है, तो आइए आज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इन 1940 द ग्रेट रेवोल्यूशनरी उधम सिंह वाज हैंग्ड इन लंदन इन कनेक्शन विद द मर्डर ऑफ मिसल डी ऑनर। मिसल डी ऑनर जो थे उनका वो कौन थे, वो गवर्नर थे पंजाब के। कब? जब जलियांवाला बाग मस्करी हुआ था। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। इस समय जो हमारे जनरल डायर थे, उन्होंने जलियांवाले बाग पर लोगों पर ओपन फायर करवा दिया था। इससे रिलेटेड उधम सिंह ने मिसल डी ऑनर का मर्डर कर दिया था और उन्हें फाइनली 1940 में हैंग्ड कर दिया गया। चलिए दोस्तों, आज से रिलेटेड करेंट अफेयर देख लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाई मैलेव एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो मैलेव के ब्रांड एम्बेसडर हमारे अक्षय कुमार जी को बनाया गया है। मैलेव एक पुणे बेस्ड कंपनी है, जिसके जो ओनर हैं वो कौन है? इसके ओनर जो है वो है शैलेंद्र कावड़े। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर विद तेलंगाना गवर्नमेंट टू लीड अ कंसोर्टियम टास्क विद डेवलपमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ड्रोन डिलीवरी टू रिमोट एरिया अंडर द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट? तो ये फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप किया है इन्होंने। इनका मेन जो एम है वो क्या है, लोगों तक फर्स्ट एड पहुंचाना विद द हेल्प ऑफ ड्रोन। तो आइए फ्लिपकार्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर हैं वो कौन है? सचिन बंसल एंड विनी बंसल। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका एस्टेब्लिशमेंट अक्टूबर 2007 को हुआ था। आइए तेलंगाना से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो तेलंगाना में टोटल लोकसभा के 17 सीट है, राज्यसभा के टोटल 7 सीट है। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 10 है। यहाँ के अभी प्रेजेंट में सीएम कौन है? तो यहाँ पे प्रेजेंट सीएम जो है वो कौन है? के चंद्रशेखर राव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर? तो चाइल्ड लेबर जो कि प्रत्येक वर्ष हम लोग 12 जून को मनाते हैं, इसका जो थीम था वो क्या था? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। यानी कि हम लोग को चाइल्ड लेबर को डिस्करेज करना है और उन्हें पढ़ाई की तरफ इनकरेज करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च कोलेट्रल फ्री कवच। तो उनका एक स्कीम है कवच, जिसमें वो लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अंडर दिस स्कीम द कस्टमर कैन अवेल लोन अप टू 5 लाख एन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.5%। आइए दोस्तों SBI से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे अभी प्रेजेंट में SBI के जो चेयरमैन है वो कौन है? दिनेश कुमार कारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये कब फाउंड हुआ था? तो इसका फाउंड हुआ था 1 जुलाई 1955 को। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जोकोविच एंड नडाल हिज फर्स्ट एवर डिफीटेड फ्रेंच ओपन 7 आफ्टर 4 आवर मैच। तो फाइनली जोकोविच ने राफेल नडाल को हरा दिया है फ्रेंच ओपन में। देख सकते हैं फिगर में, ये हमारे दो खिलाड़ी हैं। अगर हम बात करें कि नोवो जोकोविच कहाँ से है, तो ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं, सर्बिया कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और राफेल नडाल स्पेन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट मेगा विन अ पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर प्राइज को हम लोग नोबेल प्राइज ऑफ जर्नलिज्म भी बोलते हैं, ये जर्नलिज्म का एक नोबेल प्राइज भी है। इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट मेघा राजगोपालन, एलिसन किलिंग एंड क्रिस्टो बेगविक ऑफ बजफिड न्यूज वॉन 2021 पुलित्जर प्राइज। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, यही हमारी इंडियन ओरिजिन की पुलित्जर विनर है मेघा राजगोपालन। इनके फादर ने इन्हें ट्विटर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्ग्रेचुलेशन भी दिया था। कॉन्ग्रेचुलेशन मेघा, मॉम जस्ट फॉरवर्डेड मी। ये इनके लिए एक मेमोरेबल मोमेंट आई थिंक होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओलंपियन सूरज सिंह माथुर पासेस अवे। अभी रिसेंटली में एक ओलंपियन सूरज सिंह माथुर का देहांत हो गया है। ये 1952 में हेलेंसिक ओलंपिक में 52nd प्लेस पर आए थे। ओके, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है 1951 में। ये मोहम्मदपुर मिर्जा विलेज से बिलोंग करते थे। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इंडिया जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा वॉन विच मेडल एट इवेंट इन लिब्जन इन 2000 इन जून 10। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये पानीपत से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है लिस्बन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हु हैज़ नॉमिनेटेड एज द हेड ऑफ यूएन ब्यूरोक्रेसी फॉर नेक्स्ट वन ईयर? तो नेक्स्ट ईयर के लिए जिन्हें चुना गया है वो कौन है? तो किन्हें चुना गया है? वो हमारे हैं के नागराज नायडू। आइए हम लोग यूएन के कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में जान लेते हैं। तो टोटल यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं। फर्स्ट जनरल असेंबली, सेकेंड सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ ट्रस्टशिप काउंसिल, फिफ्थ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सिक्स्थ सेक्रेटरिएट। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज डिसाइडेड टू नेम द अपकमिंग नेवी मुंबई इंटरनेशनल पोर्ट आफ्टर होम। तो ये बाल ठाकरे के नाम पर करने वाले हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज एक्वायर्ड एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस इन 2020 एंड 2021? तो ये हमारा कैंपोगोडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये कहाँ है? बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। द 31st एडिशन ऑफ इंडो थाई कॉर्पोरेट बीइंग कंडक्टेड इन वीसी? तो ये अंडमान सी में होने वाला है। द 31st एडिशन ऑफ द कोऑर्डिनेट पेट्रोल इंडो थाई कॉर्पोरेट, तो ये इंडो थाई कॉर्पोरेट अंडमान सी में हेल्ड होने वाला है। इसमें इंडिया के तरफ से जो रिप्रेजेंट करेंगे वो INS सरियो करेंगे और थाईलैंड के तरफ से STMS कैरेबी करेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द G7 समिट 2021? तो G7 समिट 2021 का जो थीम है वो क्या है? बिल्ड बैक बेटर। इसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री 12 जून से लेकर 14 जून तक पार्टिसिपेट करने वाले हैं वर्चुअली। द PM मोदी विल पार्टिसिपेट इन G7 फ्रॉम 12 टू 13 जून इन वर्चुअल फॉर्मेट। UK करेंटली होल्ड द प्रेसिडेंसी। अभी UK के पास इसकी प्रेसिडेंसी है। UK हैज इनवाइटेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, रिपब्लिक कोरिया एंड साउथ अफ्रीका एज अ गेस्ट फॉर G7 समिट, जो कि वर्चुअली हेल्ड हो रहा है। इसका थीम क्या है? बिल्ड बैक बेटर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ई निर्माण पोर्टल मोबाइल ऐप टू ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर? तो ये किसने किया है? ये गुजरात ने किया है। तो गुजरात से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं दोस्तों। जैसे गुजरात का जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है वो कौन सा है? तो गुजरात की सबसे लार्जेस्ट सिटी जो है वो कौन है? अहमदाबाद। यहाँ की अगर कैपिटल की बात करें तो यहाँ का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। यहाँ अगर टोटल असेंबली सीट की बात करें तो यहाँ से टोटल असेंबली सीट हमारा 182 है। अभी प्रेजेंट में यहाँ के जो CM है वो कौन है? वो हमारे हैं विजय रूपानी। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ए स्मार्टफोन टू आंगनवाड़ी वर्कर? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज अनाउंस्ड ए स्मार्टफोन फॉर 4 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स इन स्टेट टू इंश्योर स्मूथ एक्टिविटीज। उन्हें स्मूथ एक्टिविटीज करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रही है। अभी प्रेजेंटली 1.89 लाख आंगनवाड़ी सेंटर है UP में और टोटल 4 लाख वर्कर वहाँ पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विच सिटी हैज बीन सेलेक्टेड एज नीति आयोग पायलट प्रोजेक्ट प्लांटिंग 1 बिलियन सैपलिंग? तो इसके लिए 2 सिटीज का चयन हुआ है। पहले है मोगा जो कि पंजाब में से बिलोंग करता है और दूसरा है रांची जो कि झारखंड में, यानी इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। इसे हेल्ड करवाने वाले कौन है? नीति आयोग। नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच बैंक हैज टॉप फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट बैंक इन 2021 इन इंडिया? तो ये कौन सा बैंक है? यह है डीबीएस बैंक जो कि सिंगापुर बेस्ड एक बैंक है। इसमें हमारे इंडिया के 7th नंबर पे SBI लिस्टेड हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं डीबीएस बैंक हैज 600 ब्रांचेज अक्रॉस 19 स्टेट इन इंडिया। इंडिया में इसके टोटल 600 ब्रांचेज हैं। अगर इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 16 जुलाई 1968 को हुआ था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द विनर ऑफ द पेन प्रिंटर प्राइज 2021? तो ये कौन है? ये है टिस्टी, है ना। ये कहाँ की है? ये जिम्बाब्वे की है। ये एक जिम्बाब्वे की नॉवलिस्ट है, ये एक जिम्बाब्वियन नॉवलिस्ट है। आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं थॉमस विजियन जो है वो एक इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। अभी रिसेंटली इनको अवार्ड मिला है इस फिगर के लिए।
आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर चेयरमैन WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड डॉक्टर हर्षवर्धन चेयर द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन वर्चुअल मोड। तो ये कौन से नंबर का मीट था? ये 74th नंबर का मीट था। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमूल सोधी कन्फर्म विथ एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियनशिप अवार्ड। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये हमारे सोधी साहब, इनको एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड से नवाजा गया है। आइए दोस्तों अमूल से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे अमूल का एस्टेब्लिशमेंट 14 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसके जो एस्टेब्लिशर थे वो कौन थे? वो थे हमारे वर्गीस कुरियन, जिन्हें हम फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ई विजन मिशन टू वेनस। तो इन विजन मिशन जो है वो एक यूरोप रेवोल्यूशनरी मिशन है वेनस के लिए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA हैज सेलेक्टेड इन विजन इन नेक्स्ट ऑर्बिटर दैट विल विजिट वेनस समटाइम इन 2030। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत पे अनाउंसेस एक्विजिशन ऑफ लॉयल्टी प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो ये किसका एक्विजिशन कर रहे हैं? ये पेबैक का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। किससे? अमेरिकन एक्सप्रेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शिशु सेवा स्कीम फॉर COVID-19 रिसेंटली लॉन्च चीफ मिनिस्टर ऑर्फेन। तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है असम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इंडियन एक्ट्रेस मेड द कंट्री प्राउड बाय विनिंग द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 2021 UK एशियन फिल्म फेस्टिवल। तो ये कौन है? ये हमारी है तिलोत्तमा शोमे। इन्हें राहगीर के लिए नवाजा गया है। ये इनका बेस्ट फिल्म में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। Who has inaugurated two center of excellence border road organization in Delhi in June 2021? तो ये हमारे राजनाथ सिंह ने इनोग्रेट किया था, जैसा कि फिगर में देख सकते हैं। और ये दो जो रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? COERSA और दूसरा है COERBAT, यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस, जिसका मेन एम है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना। दूसरा है COERBAT, द सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ द रोड ब्रिज एयरफील्ड एंड टनल। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके फुल फॉर्म आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। इन जून 2021 विच कंट्री रिगेन इट्स वोटिंग राइट इन UN असेंबली इन जून 2021 आफ्टर मेकिंग मिनिमम पेमेंट टू UN ड्यूज। तो ये कौन सा देश है दोस्तों? तो ये हमारा ईरान। ईरान का कैपिटल देख लेते हैं। तो ईरान का कैपिटल है तेहरान। इसकी करेंसी है ईरानियन रियाल। यहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? हसन रूहानी जी। यहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स का बात करें तो यहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स है फ्री स्टाइल रेसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये कौन है? रिबिका ग्रिस्पन जी। तो आज का सेशन यही खत्म होता है दोस्तों। आई थिंक आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह आप जुड़े रहें और अपना प्यार दिखाते रहें। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल का नाम है योर ट्यूटर। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे।